सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम एक नवीन अध्याय पढ़ेंगे जो एक कहानी है और पाठ का नाम क्या है बेटा? टिकट एल्बम। तो ये क्या है? एक कहानी है। इसके जो लेखक हैं वो हैं सुंदरा रामस्वामी जी। कौन है? सुंदरा रामस्वामी जी। इनके द्वारा यह रचित है। जो यह पाठ है बच्चों, ये इसमें दो मुख्य पात्र हैं, राजप्पा और नागराजन। टिकट एल्बम सुंदरा रामस्वामी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इनमें बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठे ईर्ष्या के भाव को तथा उसके बाद पश्चाताप के भाव बहुत अच्छे ढंग से दर्शाए गए हैं। यानि पहले इन दोनों बच्चों के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है और उसके गलत निर्णय निकलते हैं, गलत रिजल्ट आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे पश्चाताप का भाव उनके मन में आता है। तो इस प्रकार पहले ईर्ष्या का भाव और उसके बाद पश्चाताप के भाव को लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया है। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजा था जिसे वह स्कूल लाया करता था और सभी स्कूल के बच्चों को वह दिखाता था। सभी बच्चे जो थे उस एल्बम को बहुत पसंद करते थे और इसीलिए वो हमेशा नागराजन को घेरे रखते थे। लेकिन एक और बालक था जिसका नाम था राजप्पा। तो राजप्पा को यह अच्छा नहीं लगता था क्योंकि पहले सभी बच्चे उसके द्वारा तैयार किया हुआ एल्बम देखते थे और अब धीरे धीरे राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। सभी किसे देखना पसंद कर रहे थे? नागराजन के एल्बम को। और इस एल्बम को किसने भेजा था? उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। और इसीलिए राजप्पा किससे ईर्ष्या करता था? नागराजन से। आगे उसने बड़ी मेहनत से विभिन्न देशों के टिकट इसमें लगाए थे। किसने? राजप्पा की एल्बम के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि उसने बड़ी मेहनत से विभिन्न देशों के टिकट इसमें लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट तथा दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट लेता था। उसका एल्बम बहुत बड़ा था। किसका? राजप्पा का। और एक बार सरपंच के लड़के ने उसे 25 रुपये में ख़रीदना चाहा, लेकिन राजप्पा ने इसे देने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया बच्चों? क्योंकि जो राजप्पा था उसने इस एल्बम को बहुत मेहनत से तैयार किया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ समझ में आया होगा।